हेलो दोस्तों, आई एम बबलू मोदी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि फेसबुक में एड बटन को कैसे रिमूव करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना किए हुए, और उससे पहले लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले फेसबुक आइकन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि मेरे फेसबुक में जो है वो कौन सा बटन लगा हुआ है, ऐड बटन लगा हुआ है या रिमूव बटन लगा हुआ है। चलिए मैं दिखलाता हूँ वीडियो में। सबसे पहले थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और अपना प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे थ्री लाइन क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले मुझे व्यू एज पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फेसबुक है उसमें एड बटन लगी हुई है, तो उसे मैं रिमूव करके अब मैं फॉलो बटन लगाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों मैं वीडियो में बतलाता हूँ। फिर से यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, सेटिंग एंड प्राइवेसी की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शन आए, सेटिंग, डिवाइस रिक्वेस्ट, रिसेंट एक्टिविटी, फाइंड वाईफाई। तो ये सारी ऑप्शन में ना जा करके मुझे सेटिंग पे क्लिक करनी है। चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, तो ये सारी ऑप्शन को छोड़ करके मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करनी है, फॉलोवर्स एंड पब्लिक कंटेंट, इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों। उसके बाद ये सारी चीज़ों को सबको पब्लिक कर देनी है। यहाँ पे देख रहे होंगे सब दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक लिखी हुई है, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखी हुई है। मेरा जो क्लिक है वो फ्रेंड्स पे, उसे मैं पब्लिक कर देता हूँ। सारी चीज़ों को पब्लिक कर देनी है, सब में पब्लिक कर देनी है। ये सब में भी देख सकते हैं दोस्तों, सब में पब्लिक कर देनी है, सब में मैं पब्लिक कर दिया दोस्तों। चलिए आप देखते हैं कि मेरा जो फेसबुक पे कौन सा बटन चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ। चलिए सबसे पहले मैं थ्री लाइन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं अपना प्रोफाइल पे आता हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर से मैं थ्री लाइन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मेरा जो बटन है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। फिर से मैं व्यू एज पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहली मेरी जो बटन लगी हुई थी वो एड बटन लगी हुई थी, बाद में मैंने रिफ्लेस करके वो फॉलो बटन चेंज कर दिया दोस्तों। वीडियो अगर मज़ेदार लगी होगी दोस्तों तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आए और आपके काम के लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूलें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।